हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज पाटिल। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल हिंदी एजु सपोर्ट पर। हर एक छात्र को किसी भी रिजल्ट की प्रतीक्षा बड़े ही बेसब्री से होती है। उसी बेसब्री के लिए आज का यूट्यूब वीडियो बहुत ही ज़रूरतमंद है। अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज का वीडियो है यूपी बोर्ड रिजल्ट 2018 डिक्लेयर कब होने वाला है, यूपी एमएसपी बोर्ड 10वीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट कब डिक्लेयर होने वाला है। अगर आप भी यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो बने रहिए हमारे साथ। यूपी बोर्ड रिजल्ट की पूरी जानकारी के लिए आपको बता दें, सबसे पहले मिली जानकारी के अनुसार पूरी एंसर शीट की चेकिंग अब खत्म हो चुकी है। बोर्ड सचिव नाना श्रीवास्तव ने यह स्पष्ट जानकारी दी है कि अब जल्द ही इसी महीने में 29 अप्रैल 2018 में 12वीं के परिणाम 12:30 पे घोषित किए जाएंगे और यूपी बोर्ड के हाई स्कूल रिजल्ट ठीक 1:30 पर 1 घंटे के अंतराल के साथ घोषित करेगा। क्या आप जानते हैं इसमें कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी हुई है? क्या आप जानते हैं कितने छात्र यूपी बोर्ड 2000 रिजल्ट इंफॉर्मेशन के लिए बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो आपको बता देते हैं, यूपी बोर्ड के वर्ष 2018 के परीक्षा के लिए कुल 67,29,540 छात्र छात्राएं अपियर हुए थे, जिसमें 36,55,691 छात्र 10वीं के लिए आए हुए थे, जबकि 12वीं के लिए 29,81,327 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। लेकिन देश को खोखला करने वाली, परीक्षाओं में नकल करने वाली जो भी चीजें एग्जाम के समय में होती है, उस पर नकल कसने के लिए योगी सरकार ने 10,00,000 छात्र इसके लिए उपस्थित नहीं हो पाए। अब जानते ये है कि यूपी बोर्ड रिजल्ट 2000 डेट्स, उसी के साथ में लास्ट ईयर एनालिसिस चेक करते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2018 में 10वीं की एग्जाम डेट 6 फरवरी 2018 से 22 फरवरी 2018 तक कंडक्ट की गई थी। उसमें 12वीं की एग्जाम 6 फरवरी से 12 मार्च 2018 तक कंडक्ट की हुई थी। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, यूपी रिजल्ट 29 अप्रैल 2018 को डिक्लेयर्ड होने वाला है। यूपी रिजल्ट कैसे चेक करते हैं ये जानने के लिए आपको सिंपल सी हिंदी में पढ़े .com इस लिंक पर क्लिक करना है, जो हमने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो चलिए अब देखते हैं यूपी रिजल्ट चेक कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इस पोस्ट के नीचे स्क्रॉल करें, उत्तर प्रदेश बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। देखिए, उत्तर प्रदेश रिजल्ट्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट्स टू बी अनाउंस की नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो चुकी है। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट क्लास 12वीं एग्जामिनेशन 2018 रिजल्ट्स 29 अप्रैल 2018 12:30 पर डिक्लेयर होने वाले हैं। तो वहीं पर यूपी बोर्ड हाई स्कूल क्लास 10 एग्जामिनेशन 2018 रिजल्ट्स 29 अप्रैल 2018 को ही ठीक 1 घंटे के अंतराल के बाद 1:30 पे डिक्लेयर किया जाएगा। अगर आप यूपी बोर्ड के क्लास 12वीं के छात्र हैं तो सिंपल सा इस लिंक पे क्लिक करना है। अगर आप यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के क्लास 10 के छात्र हैं तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको नेक्स्ट स्क्रीन में अपना एग्जाम रोल नंबर एंटर करना है और अपना नेम एंटर करना है और डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह की और भी सभी रिजल्ट की जानकारी आप हमारे ऑफिशियल हिंदी में पढ़े .com वेबसाइट पर पा सकते हैं। पूरे स्टेट के रिजल्ट हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, एमएच बोर्ड रिजल्ट, एमपी बोर्ड रिजल्ट, गुजरात बोर्ड रिजल्ट, गोवा बोर्ड रिजल्ट, सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट, एमएसबीटी रिजल्ट तथा जिस यूट्यूब वीडियो को आप देख रहे हैं, यूपी बोर्ड रिजल्ट हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है।
अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे YouTube वीडियो को पसंद करके लाइक जरूर करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की बेहतरीन जानकारी के लिए आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।